और जयपुर के चाकसू से खबर आपको बता देते हैं, जहां बड़ली गांव में तालाब में डूबे तीन बच्चे, जो ढूंढने के लिए चलाए गए सर्च ऑपरेशन में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को सफलता मिल गई है। करीब 7 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद टीम ने तीनों बच्चों के शव पानी से बाहर निकाल लिए हैं। पुलिस ने तीनों बालकों के शव मोर्चरी में रखवा दिए हैं। तीनों बालकों के शव पानी से बाहर निकालते ही परिजनों की चीख पुकार मच गई। बालकों की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के मुताबिक बड़ली निवासी कानाराम रवि व लक्ष्मण गांव में बने तालाब में नहाने गए हुए थे। इस दौरान तीनों बालक गहरे पानी के चले गए और डूब गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वो तीनों बच्चों की देखिए यहाँ पर मौत हो गई है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने उन तीनों बच्चों के शव को बाहर निकाल लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो बड़ली गांव के तालाब में ये डूबने का मामला है, जहां पर तीन बच्चे नहाने के लिए गए हुए थे, लेकिन गहरे पानी के चलते ये तीनों बच्चे पानी में डूब गए और इनकी मौत हो गई। वहीं पर देखिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार 7 घंटे से इन बच्चों की तलाश कर रही थी। हालांकि इस बीच बच्चों के शव मिले हैं। वहीं परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है, मातम छा गया है। वहीं पर पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अभी पूरे मामले की जाँच पड़ताल में लगी हुई है। तो जयपुर के चाकसू से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बड़ली गांव में तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई है। पिछले 7 घंटे से लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही थी और अब जाकर तीनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया है और तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है, पूरे गाँव में मातम छाया हुआ है। संवाददाता मुकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। मुकेश, तीन बच्चों की मौत हो गई है पानी में डूबने की वजह से और परिवार का रो रो का बुरा हाल है, अभी क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? मुकेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बालक नहाने के दौरान गए थे जी, इस दौरान वो तालाब में डूब गए थे जिनसे उनकी मौत हो गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मौके पर सर्च अभियान किया था, उसके बाद इन तीनों शवों को वहाँ निशानी गोताखोरों की मदद से बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि यहाँ जो तालाब से तीन बालकों की जो मौत का मामला था, उसमें ग्रामीणों ने ये कहते हुए आरोप लगाया है कि ताल की पाल के ऊपर से जो विद्युत लाइन गुजर रही है उसकी चपेट में आने से हादसा हुआ है। और आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी व 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। वही तालाब से ऊपर से जो लाइन डाली गई उन दोषी जो अधिकारी कर्मचारी उनको निलंबित करने की मांग की जा रही है। मौके पर विधायक रामउतार बैरवा, एसडीएम श्रीचरण शर्मा, एससीपी सुरेंद्र सिंह, तहसीलदार संदीप चौधरी ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं। वही पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी मौके पर मौजूद है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आप जो परिवार है उनकी तरफ से भी मांग की जा रही है और इसी के साथ ही वहाँ के जो विधायक गण उन्होंने उनको आश्वासन भी दिया है कि आपकी मांगों को माना जाएगा।